पाठ का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, क्लास 10th हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे सोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहला इसका, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? रेशम मार्ग। अगला है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 से। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन की प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवाद और नाजीवाद। फांसीवाद के कौन थे? मुसोलिनी। और नाजीवाद के थे? हिटलर। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में। 90 के दशक में द्वितीय महाद्वीप द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्परिणामों के को समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय संघ की। रिक्त स्थानों को भरना है। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यूनानी सम्राट सिकंदर के द्वारा। नहीं, चलिए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश देश से शुरू हुआ था, किस देश से शुरू हुआ था? अगला क्वेश्चन है 3, डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी? ब्रेटन वुड्स। ये बात नहीं। आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुई? बेरोजगारी। 5 नंबर, डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया? जॉन विलियम्स ने। सही मिलान करना था, इसका तो यहाँ डाला हुआ है, आपको कल बता दिए थे, वहाँ मिलान कर लेंगे। अब मिलान करना, मिलान कीजिए। औद्योगिक क्रांति का किसे मिलान कीजिएगा? औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से। एक का ख। दूसरा है, हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क मैंने एक का ख का जगह एक। अगला है, विश्व आर्थिक मंदी कब हुआ था? 1929 में। अगला है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1990 के बाद। विश्व बाजार की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्राचीन काल से ही हो गई थी। चलिए, अब आया हम लोग का जो प्रश्न है, लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ से डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे, समझेंगे हर एक बात को बारीकी ढंग से। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। पहली बात है इसमें, विश्व बाजार किसे कहते हैं? नाम से ही इसका डेफिनेशन पता चल जाएगा हम लोगों को। विश्व बाजार, बाजार जहाँ विश्व के सभी देश की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे कहते हैं विश्व बाजार। वैसा बाजार, क्या लिखेंगे? वैसा बाजार जहाँ पर विश्व की सभी वस्तुओं को खरीदने के लिए हो, खरीद सकते हो, कोई भी आम आदमी जाके कोई भी देश का कंपनी का सामान खरीद सकता है, उसे कहते हैं विश्व बाजार। जैसे भारत में कौन है? मुंबई। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन के क्षेत्र में मशीनों और वाष्प शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए, और इन परिवर्तनों के कारण लोगों के जीवन पद्धति और उनके विचारों में मौलिक परिवर्तन हुआ, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इतना लंबा चौड़ा बातों को समझने की कोशिश कीजिए। उत्पादन के क्षेत्र में कोई भी चीज़ उत्पादन हो रहा था, इसमें नए नए मशीन लग गए, वाष्प इंजन का आविष्कार हो गया, मतलब कि भाप से चलने वाला इंजन का आविष्कार हो गया। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। कह सकते हैं मानव श्रम के जगह बड़े बड़े मशीनों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी सही है, दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? देखिए, अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति
जब उसके तीन आधार कृषि उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए उसे आर्थिक संकट कहते हैं। तीन बातें हो रही है यहाँ पे, तीन बातें। पहला नंबर क्या है? कृषि पैदावार नहीं हो रहा है, गेहूं धान नहीं उपज रहा है, ठीक है, उपज रहा है। दूसरा नंबर उद्योग, नए नए प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, समझ में आया। और तीसरी नंबर बात, व्यापार व्यापार ठप हो गया है। अगर तीनों चीज हो जाएगा तो कहेंगे आर्थिक मंदी हो गया। क्या हो गया है? आर्थिक मंदी हो गया। जैसे कौन अगला है? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? आ गया प्रश्न, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? देखिए, जीवन के सभी क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया, संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया, उसे कहते हैं भूमंडलीकरण। क्या कहते हैं? देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन में वुड्स सम्मेलन हुआ था, वुड्स सम्मेलन। क्या हुआ था? अब नाम से चल रहा है कि वुड्स माने होता लकड़ी सम्मेलन, लकड़ी का सम्मेलन हुआ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या था ये, इसको समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए एवं विश्व शांति को स्थापित करने के लिए एक सम्मेलन किया गया। कहाँ पे? ब्रिटेन में। सो कहा गया ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया 1942 में ख़त्म, तो अब फिर संस्था सब बनी कि भाई अब ये अब युद्ध नहीं करो, ये सब बेरोजगार हो गया है, पैसा कौड़ी से सबके बर्बाद हो गया। युद्ध में बर्बाद ना होता है पैसा, कितना अपार करोड़ रुपया संपत्ति खराब हो बर्बाद हो जाता है। तो भाई पैसा बर्बाद हो रहा है, विश्व में शांति बनाए रखो, तो विश्व से शांति बनाए रखने के लिए फिर एक होना पड़ेगा ना, तो एक होने के लिए वह हुआ था ब्रिटेन में, हुआ था वुड्स सम्मेलन। क्या हुआ था? वुड्स सम्मेलन। उसमें शांति वार्ता पे बात कही गई थी कि सबको रोजगार दीजिए भाई, आप काम वाम करने में लगिए, बहुत तहस नहस कर लिए, बहुत हुआ गोला बारूद, आप सब शांति से जीने दीजिए, लोगों को तंग हो चुका, चार चार साल तक बमबारी झेले का वो आदमी का हालत खराब हो जाएगा। एक दिवाली में चार दूध फटाका उठता तो लोगों का कान आ जाता है। अब वो बताइए कि बमे बारूद से बातें हो रहा था विश्व युद्ध। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कई देशों के में एक साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। वैसा कंपनी जो अपने सामान को एक देश में नहीं बहुत सारे देश में बेच रहा हो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे सैमसंग, सैमसंग है ना, नोकिया, लावा, आईफोन, एप्पल, ये सब क्या है, एक देश में बनता है कई देश में बिकता है। 1929 में आर्थिक संकट हुआ था, तो इसका क्या कारण था संक्षेप में बताइए। देखिए, नवीनतम तकनीकी प्रगति एवं बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उत्पादित वस्तुएं किया जा रहा था उसे खरीद सकने वाले लोग कम थे। विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों का मूल्य विकृति हो गया था। इतना ना मशीन बैठ गया कि सब कपड़ा बना रहा है, रंग बिरंग का चीज़ बन रहा है, खरीदने वाला कोई है ये नहीं है। औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार का स्वरूप को विकसित कर दिया? औद्योगिक क्रांति जब हुआ ना तो विश्व व्यापार का जो माहौल था वो बहुत बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया भाई, क्यों बड़ा हो गया? देखिए, कारण था औद्योगिक क्रांति ने बाजार के तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया, बन गया। इसके इसी के साथ जैसे 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 उद्योग का क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्व व्यापार होते चला, विश्वव्यापी होते चला गया। 20वीं शताब्दी के पहले तक इसमें महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। देखिए, जब तक छोटा मोटा उत्पादन हो रहा था तो लोग अपने देश में बनाता था और अपने देश में बिक जाता था सामान, अपने देश में तो अटबे नहीं करता था, सामान इतना बनता था कि अपने देश में उपज बचबे नहीं किया है, अपने देश में नहीं बच रहा है तो दूसरा देश में कैसे बेच जाएगा। इंग्लैंड में कपड़ा बना, इंग्लैंड के लोग खरीद लिया, तो भारत में बेचने आएगा? भारत में बना, भारत में लोग खरीद लिया तो बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। मगर जब उद्योगीकरण हो गया, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, बाद में आया था भारत में, वो सब लेकर आया था भारत में, तो औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो सबसे पहले सामान सब कहाँ ज़्यादा बनने लगा? इंग्लैंड में। तो कहाँ का लोग बेचने जाएगा? इंग्लैंड के लोग बेचने जाएगा, तो उत्पादन जहाँ पे होगा वही के लोग ना बेचने जाएगा कि भाई हमारा देश में साड़ी चाहिए 1,00,000, बना लिए हैं 10,00,000, तो 9,00,000 क्या करेंगे? तो 9 देश में ले जाते हैं, तो 9 देश के हैं, तो वास्कोटी कमा करा था उनने है, कोलम्बस करा था उनने है, तो चलो भाई ओके पीछे पीछे चलते हैं, हम भी चलाया पीछे पीछे, समझ रहे हैं बात को। इस प्रकार से विश्व व्यापार का एक रेंज बना दिया कि अब जो है बनाएंगे यहाँ पर अब बेचेंगे वहाँ पर, एक ट्रेंड चलने लगा, ट्रेंड हो गया वो, उस समय का ट्रेंडिंग पॉइंट था, वो ट्रेंडिंग में चल रहा था वो सब कि बनाएंगे यहाँ पर बेचेंगे वहाँ पर,
सीधी सी बात है, समझ सकते हैं कि इस हमारे वीडियो को बांग्लादेश के भी लोग देख रहा है, पता नहीं उनको क्या समझ में आता था, चाऊ चाऊ करता हो। बाजार का स्वरूप बताना है, ध्यान दीजिए, औद्योगिक क्रांति के फैलने के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी हो गया। इसने व्यापार श्रमिकों का पलायन, पूंजी का प्रवाह, इन तीनों आर्थिक क्षेत्रों में प्रवृत्ति को जन्म दिया। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड में और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचने तथा वहां से कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने था सीमित था। देख लीजिए, पहले सिर्फ व्यापार सीमित था कि कच्चा माल कारखाना में जाएगा, कहाँ के कारखाना में, इंग्लैंड के कारखाना में, वहाँ पे वस्तु बनेगा और देश के कोने कोने में जाएगा, विश्व के कोने कोने में जाएगा। परंतु अब नहीं, ए जब भूमंडलीकरण हो, विश्व बाजार हो गया ना, तो तीन चीज़ों का प्रवाह होने लगा। तीन चीज़ कौन सी, ध्यान दीजिएगा, व्यापार, श्रमिकों और पूंजी, तीनों का याद कर लीजिएगा। कौन सी का? व्यापार, पूंजी, श्रम। व्यापार माने कि व्यापार कहीं भी कर सकते हैं, पूंजी कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब इंग्लैंड का आदमी यहाँ पे बिजनेस कर सकता है, आप जाके इंग्लैंड में बिजनेस कर सकते हैं, पूंजी लगा सकते हैं, और कहीं का मजदूर कहीं जाके मजदूरी कर सकता है। मतलब आपको आलू रोपना है तो अमेरिका में भी जाके आलू रोप सकते हैं, आपको बोझा ढोना है, बोझ उठाना है तो बोझा ढोना है, आप अमेरिका में जा सकते हैं। समझिए, बात समझ आ रही है, मतलब कि आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं, आप मजदूर आप बन सकते हैं, माने कि मजदूरों का भी पलायन होने लगा एक जगह से दूसरी जगह। समझ में आया? अपने देश में तो हो ही रहा था, गाँव से शहर की तरफ हो ही रहा, ये तो हो ही किया था। दूसरे देश में भी जा सकते हैं आप, पहले नहीं था, अब दूसरे देश में भी जा सकते थे, ऐसा सिस्टम आ गया। कैसे हुआ है ये सब? विश्व व्यापार के लिए भूमंडलीकरण से हुआ है। समझ में आया? चलिए, अगला प्रश्न क्या है? भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान की बात करें, उसके योगदान मैंने भूमिका को स्पष्ट करना है। भूमंडलीकरण हुआ था तो मैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान था, बिल्कुल था, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वैसा कंपनी जो अपना सामान को दूसरे दूसरे देश में बेचता है उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। जब कोई कंपनी अपना सामान बनाएगी और अपने ही देश में बेचेगी तो दूसरे देश में जाएगी नहीं करेगी, तो दूसरा देश से जुड़ेगा? आए टाटा कार बनाई है, अपने ही इंडिया में रखती है, इंग्लैंड में नहीं ले आती है, जापान अमेरिका नहीं जाता है उसका कार, तो फिर उससे हमारा संबंध बनेगा, आर्थिक संबंध, उसे बिजनेस होगा? नहीं होगा। कार बेचने के लिए उसको अमेरिका जाना पड़ता है, अमेरिका में भी शोरूम है ना। आ कहेंगे कि आपको कमरौली में रहना है, यहीं पे व्यापार करना है, चाहे गुच्छो हो यहीं पर रहना है, मान लिया कमरौली में काम नहीं मिलेगा तो आप भूखे मरिएगा। आज कमरौली का मजदूर शिवहर में जाकर काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कमरौली जो है हिंदुस्तान होता, और जो है शिवहर जो होता मान लीजिए इंग्लैंड चाइना होता, तो चाइना में जाकर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बात हुई, ऐसा नहीं सोचिए कि चाइना में आप जाकर काम नहीं कर सकते हैं। माना कि चाइना हमारा दुश्मन है, बट ऐसा नहीं है कि चाइना जाकर आप नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं वहाँ पे भी आप, समझ रहे हैं? और चाइना का आदमी आके यहाँ पे बिजनेस कर सकता है, हम नहीं रोक सकते हैं। व्यापार के मामले में पारदर्शी है हम लोग, भूमंडलीकरण है, इवन कि पाकिस्तान का सामान भी यहाँ बिक सकता है, बट अभी थोड़ा बैन लगा दिया, चाइना पे थोड़ा रोक लगा दिया। क्या लगी? गलवान में हत्याकांड हुआ था ना, इसलिए हम लोग चाइना पे रोक लगा दिए थे कि नहीं चाइना के सामान फिर भी आने लगा, सब चाइनीज पर रोक लगा दिया कि नहीं सरकार? चाइनीज ऐप्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, टिकटॉक उसी में बंद हो गया बेचारा का, है ना, पबजी उसी में बंद कर दिया था, पबजी तो अभी भी बंदे है, तो आप दूसरा सर्वर का यूज करते हैं तो नहीं होगा। सर्वर कर ले, दूसरा कंपनी का सर्वर यूज कर लेते हैं, दूसरा देश का, कौन सी कहते हैं, कौन ऐप है, आए कथी 1950, पाठ का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख करना है। अच्छा, मतलब 1950 के बाद में क्या हुआ था, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हुआ था, मतलब क्या हुआ था कि 1950 के बाद में क्या हुआ, 1950 के पहले हमारा अर्थव्यवस्था खराब हो गया था, आए खराब हुआ था, हाँ जी खराब हुआ था, तभी ना ठीक करने की बात हो रही है। 1950 तक आते आते हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो गई थी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो गई थी, कारण बताते हैं, दो कारण, एक था आर्थिक मंदी, कब हुआ था, 1929 में आर्थिक मंदी पड़ा, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और ये दो कारणों से देश नहीं पूरा विश्व बर्बाद हो चुका था,
पूरा विश्व दाने दाने के लिए मुहताज हो चुका था और इसको सुधारना बहुत जरूरी था, नहीं तो मानव जाति खतरे में पड़ जाता, मानव जाति ही खतरे में पड़ जाता। बड़ी कंगाली की स्थिति हो चुकी थी वहाँ पे और इसको सुधारने के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, इसमें क्या किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद उससे उत्पन्न समस्या को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हो गया उसी का भरपाई करने के लिए। हालांकि बताइए, क्या युद्ध की भरपाई की जा सकती है? किसी के युद्ध में किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई मर गया है, क्या वापस आ सकता है? युद्ध की भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, बट आर्थिक स्थिति की भरपाई तो कर सकते हैं। मतलब अगर पैसा आपका $1,000 गायब हो चुका है तो आप उसको कमा सकते हैं, ₹1,00,000 चला गया, पैसा कमा सकते हैं, जीवन तो नहीं ला सकते हैं जो लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो आर्थिक भरपाई की बात हो रही है यहाँ पे और किसी चीज़ की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। युद्ध की भरपाई कभी नहीं की जा सकती है, जान लीजिए, क्योंकि युद्ध में जान जाती है और जान पुनः वापस नहीं आता है। क्या तो वही बात है। तो यहाँ पे आर्थिक भरपाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम शुरू हुआ, प्रयास शुरू किया गया। क्या किया गया, 1957 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय अर्थात यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी का स्थापना किया गया। ठीक है, इसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग और इटली शामिल हुआ इसमें। ठीक है, इन देशों ने एक साझा व्यापार स्थापित किया, साथ में मिलकर व्यापार स्थापित किया। 1960 में ग्रेट ब्रिटेन इसका सदस्य बन गया। तत्कालिक विश्व के दो महत्वपूर्ण शक्तियां, जो एक था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरा था सोवियत रूस, मैंने अमेरिका और रूस, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे उस पर। इस प्रयासों में अमेरिका की सहायता, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भरपूर सहायता किया, जबकि रूस ने अपने विचारों और राजनीतिक शक्ति के इस्तेमाल करके इस्तेमाल ज़्यादा किया। दोनों देशों ने अपनी नीतियों के अनुसार विश्व के देशों का सहयोग किया। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो सब देश की स्थिति खराब हो चुका था, सिवाय दो देश के, एक अमेरिका और रूस के। क्वेश्चन है 6 नंबर, ये बात नहीं, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। जब भूमंडलीकरण हुआ तो भारत पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो भारत पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण से क्या हुआ कि भारतीय मजदूरों को विश्व स्तर पर पहचान मिला, भारतीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर पहचान मिली, लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई, लोग का जो हुनर मर गया था औद्योगिकरण के कारण अब निखर रहा था, जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनको कोई पूछने वाला नहीं था। भूमंडलीकरण आने से क्या हुआ, पूरा देश एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। प्रश्न है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों और परिणामों को बताइए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन इस पाठ का, पूरे पाठ का यही है। 1929 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी पड़ा, मतलब खाने के लिए दाना नहीं मिल रहा था लोगों को, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर नहीं, बहुत खराब मंदी हो गया था। अच्छा, आर्थिक मंदी कहते हैं तो तीन बातों का यह आपको आता है, कृषि में पैदावार ठप, व्यापार वाणिज्य ठप, और एक चीज़ और था याद नहीं आ रहा हमको, कृषि ठप, उत्पादन ठप, व्यापार वाणिज्य ठप, तीन गो चीज़। कृषि ठप हो गया, व्यापार वाणिज्य व्यापार ऊपर लेन देन बंद हो गया, और अगर उत्पादन भी बंद हो जाता है तो क्या कहते हैं कि ये आर्थिक मंदी का संकेत है ना। किसी देश में आर्थिक मंदी कब होता है, जब तीन चीज ठप हो जाएगा तो आर्थिक मंदी हो जाएगा। अब देखिए, किसी खेती बाड़ी नहीं हुआ तो कथी खाइएगा, दाने दाने के लिए मोहताज, सामान बिकेगा नहीं तो कथी लोग कथी पहनेगा, कपड़ा कहाँ से खरीदेगा, उसके लिए भाई भूखे दिक्कत हो गया। और फिर उत्पादन नहीं होगा, कोई चीज बनबे नहीं करेगा तो कहाँ से खरीदेगा आप, तो कंगाल नहीं होगा प्रदेश। इसे कहते हैं आर्थिक मंदी। तो विश्व में आर्थिक मंदी पड़ा ना 1929 में, कपड़ा 1929 में। तो क्या कारण थे उसके और क्या परिणाम निकले, इन्हीं को बताना हम लोग। ठीक है, आए का नहीं, देखिए वो तीन बातें मेन थी, तीन उत्पादन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं, देखिए तीन बातें मेन थी। जब कृषि काम हो नहीं रहा है, जब उत्पादन हो नहीं रहा है,
जब व्यापार हो नहीं रहा तो मजदूर कहाँ, मजदूर बेकार हो गया, बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी, बिल्कुल खेती तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में बहुत भारी वृद्धि हो गई। पहला नंबर, दूसरा नंबर है उत्पादन में वृद्धि। दूसरा नंबर क्या पॉइंट है, उत्पादन में वृद्धि। यहाँ पर डैश देना चाहिए, डैश यहाँ दिया गया। तो उत्पादन में वृद्धि में क्या हुआ, यहाँ पॉइंट भी नहीं लिखे हैं, पॉइंट लिख लीजिएगा। उत्पादन में वृद्धि में क्या हुआ, नया नया तकनीक बन गया, नए नए मशीनें बन गए, औद्योगिकरण हो चुका था, जिसके बढ़ने के कारण से क्या हुआ, लगातार उत्पादन में वृद्धि हो गया, और जो ज़्यादा उत्पादन कर रहा था उतना ही ज़्यादा मुनाफा कमा रहा था, तो भारी वृद्धि हो गई। लेकिन खरीदने वाले लोग कम पड़ गए, क्योंकि मशीनों का वर्चस्व बन गया, आदमी उत्पादन करता था, आदमी उपयोग करता था, तो सामान मिलता नहीं था कि लोग खरीदे। एग्जाम्पल सबसे अच्छा कपड़ा लेते हैं, कपड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। कपड़ा बनाता था लोग, कपड़ा इतना बनता था कि लोगों को शरीर पर जुड़ता नहीं था कपड़ा। अब कपड़ा इतना बन गया कि कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मशीन सब काम कर रहा है, मशीन उत्पादन धीरे से धीरे करते जा रहा है। देखो देखो धनी कुमार, तुम ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दो। कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य में की विकृति, विकृति शब्द, विकृति माने होता है गड़बड़ी, गड़बड़ हो गया मूल्य किसका, कृषि उत्पादन का। कृषि उत्पादन किसे कहते हैं, जो खेती बाड़ी से उत्पादन होता है ना, माने खाने पीने वाला सामान सब, उसको कहते हैं कृषि उत्पादन। तो कृषि उत्पादन में उसका जो मूल्य था वो गड़बड़ी उत्पन्न हो गया, मतलब क्या हो गया, उसमें विकृति उत्पन्न हो गया, ठीक है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर बात खाद्यान्नों, खाद्यान्न वाले जितनी भी खाद्यान्नों मतलब क्या, खाने वाला चीज़ें चाहिए, खाद्यान्नों माने क्या हुआ जी, खाद्यान्नों माने खाने वाला चीज़ ही होगा, ठीक है, तो उसमें भी गड़बड़ी होगी। हाँ, एक खाद्यान्न होता है, एक खाद्य पदार्थ वाला है, खाद्य माने खाने वाला पदार्थ, इटैबुल, इटैबुल खाते नहीं उसको, इसके कीमतों में वृद्धि हो गई, माने गड़बड़ी हो गई, वृद्धि नहीं कर सकते इसको हम, वृद्धि या कमी नहीं कर सकते हैं, क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई। बिकना चाहिए 10 रुपये, बिक रहा है 2 रुपये, बिकना चाहिए 8 रुपये, बिक रहा है 800 रुपये, गड़बड़ी नहीं हो गया। अब आपको कहेंगे टमाटर 800 रुपये किलो है, काजू 2 रुपये किलो है, तो गड़बड़ी कही है कि नहीं कही है इसको, तो बात करें ना, गड़बड़ी है, तो ये विकृति उत्पन्न हो गई। अब क्या हुआ देखिए, इसमें क्या दिया है, इसका देखिए क्या दिया, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण उत्पादनों की कीमतें गिरने लगी, जितना भी किसान था इतना न ज़्यादा उपज बढ़ गया, इतना न ज़्यादा उपज बढ़ गया कि सब कुछ का दाम इतना घट गया कि किसानों को आय में घाटा लगने लगा। आप देखते हैं प्याज के समय में प्याज कैसे हो जाता है, किसान 2 रुपये 3 रुपये किलो प्याज बेच देता है, किसान का जब आलू खनाता है किसान आलू को जो है ना भाव के भूसा में बेचता है, 4 रुपये 3 रुपये 2 रुपये किलो आलू बेच देता है किसान, बड़ा बड़ा व्यापारी उसको 50 क्विंटल 60 क्विंटल आलू खरीद ट्रक पर ला के रख लेता है कोल्ड स्टोर में, कोल्ड स्टोर में रख लेता है, हाँ कोल्ड स्टोर में रख लिया, उसके बाद तो कोल्ड स्टोर की सुविधा रख लिया कोल्ड स्टोर में, अब क्या करेगा, उसी आलू का जब रेट पड़ेगा तो बेचेगा, और नहीं तो नहीं निकालेगा अपने रेट बढ़ जाएगा तब बेचेगा, कालाबाजारी कहते हैं इसको, इसी का नाम है कालाबाजारी। सरेगा तो उसका नुकसान क्या क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, उसकी भी आमदनी मर गई थी, किसानों का बहुत घाटा लगने लगा, किसान अपना माल बेचने के लिए होड़ लगा लिए, हमर सामान बिका जाए हमर सामान बिका जाए, जैसे प्याज के समय प्याज किस बेचने के लिए किसान से रो पड़ता है बेचारा, किसान प्याज लेकर रोता है तो कहता है प्याज के झांस लग रहा है, झांस नहीं लगता बेचारा रो रहा होता है किसान, जानते हैं कितना किसान डर के मतलब प्याज लेके जाता है ट्रक पे और बेचने आता है, कोई खरीदता नहीं तो रास्ता पर उसी को चलाता है, एक ट्रक प्याज देखिए किनारे किनारे फेंकल है, क्या लगी कहाँ नहीं इस प्याज को, 2 दिन में सड़ जाएगा घरे हमारा, और घरे सड़ेगा तो फिर हटाने के लिए मजदूर लगाना पड़ेगा, सड़क के किनारे गिरा दो प्याज, सड़क के किनारे किसान 2-2 ट्रक 5-5 ट्रक फेंक देता है, आपको जानकर हैरानी होगा इस बात को, किसान फेंक देता है प्याज, सही नहीं कर रहे हैं, कोई खरीद भी नहीं करता उसे तो क्या करेगा, अब 1 किलो 2 किलो ला के थोड़ी ना बेचा गाँव में, वो बताया उपजा हुआ इतना टन 10 क्विंटल उपजाया हुआ प्याज, तो 10 क्विंटल बेचने जाएगा मार्केट में, कोई खरीदेगा नहीं, भाव का भूसा लगाएगा, गुस्सा के फेंक देता है, कितना तक ट्रक लगा को लगा तो क्या कहता है, आग फिर के मर जाएंगे, ऐसे ऐसे कंपनी कौन कंपनी कंपनी में है, वही बात है, चौपट हो गया बंद हो गया, वही बात है कि ठप हो गया, धस गया, नहीं हो रहा था उत्पादन, पैसा नहीं मिल रहा था या उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था या उत्पादन बढ़ बिक नहीं रहा था। पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बाल्टिक देश, स्पेन इत्यादि में भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। 1944 में नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने
बेनेलेक्स नामक संघ बनाया, ये भी अपना संघ बना लिया अलग। 1948 में बेलेस का ब्रसेल्स संधि हुआ, जिसमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू हुआ। 1957 में क्या हुआ, 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट की स्थापना हुई। इसमें फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, इटली शामिल हुआ। इन देशों ने एक साझा बाजार की स्थापना किया। ग्रेट ब्रिटेन 1960 में इसका सदस्य बन गया और इस तरह सभी देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इस तरह से इस सभी देशों पर क्या अमेरिका का प्रभाव भी पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1945 से 60 के बीच में क्या हुआ, सब देशों में तो नहीं, मेनली दो देश अपना अपना वर्चस्व बना लिया, अमेरिका और रूस। अमेरिका पूंजीवाद के क्षेत्र में, रूस साम्यवाद के क्षेत्र में। अमेरिका वर्चस्व ज़्यादा बना पाया क्योंकि पूंजीवाद का सहारा लेके पूंजी को हड़पने में भी लग गया, और जो तेल उत्पादक देश थे, जो पश्चिम साइड के जितने भी देश थे, उस सब पर अपना प्रभाव जमाने लगा। परंतु कुछ देश छिटिक गए, उसमें से जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, ये सब अलग देश अपना समूह बना लिया, है ना। कुछ देश अपने सब देश अपना अपना समूह बना बना कर व्यापार करने लगा। भारत पे भी अधिकार करने आया, भारत को भी मिलाने आया था रूस, बट भारत नहीं मिला। अब भारत फाइनली क्या किया, किसी समय में नहीं मिला, फाइनली अपना एक नया समूह बनाया जिसमें पड़ोसी देश शामिल हुआ। इसका भारत को उसको भारत उसका नेतृत्व करने लगा, बट भारत का पड़ोसी देश सब कंगाले हैं। कंगाले है, माने कुछ करबो दरबो ना या कूदबो ज़्यादा, सही हाल है। कहिए चाइना आप भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन का प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। क्या भूमंडलीकरण हुआ तो कि विश्व में प्रभाव पड़ा, हमारे देश में प्रभाव पड़ा, क्या आम लोगों पे भी प्रभाव पड़ा? देखिए, विश्व में देश है और देश में आम लोग हैं। अगर विश्व में प्रभाव पड़ा, देश में प्रभाव पड़ा, तो आम लोगों पे भी प्रभाव पड़ा है, मगर थोड़ा सा अलग है। देश समूह होता है, समाज वर्ल्ड बहुत बड़ा समूह होता है, और एक आम आदमी एक पार्टिकुलरली बात होती है। तो सब आदमी के जीवन में सब लोग पड़ा होगा क्या, कोई उसको उससे लाभ भी मिला होगा, कुछ को हानि भी हुआ होगा। तो भूमंडलीकरण जब हुआ तो आम लोगों को क्या क्या लाभ हुआ, उस सब के बारे में कुछ बताना है, उसके बारे में कुछ स्पष्ट करना। देखिए, भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी संयोजन की एक प्रक्रिया है। मतलब कि भूमंडलीकरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बहुत सारी इसमें प्रक्रिया इंक्लूडेड है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक, सबको मिलाकर भूमंडलीकरण हुआ था। अब देखिए, जो विश्व के विभिन्न भागों में लोगों को भौतिक, मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकत्रित करने का सफल प्रयास करती थी, कि विश्व के जितने लोग हैं सब एक जगह आके व्यापार करें, सबके लिए सबका देश का द्वार खुला हो, ऐसा इसका मान्यता थी। अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में विश्व स्तर पर पाई जाने वाली एकरूपता और समानता भूमंडलीकरण के अंतर्गत शामिल होती है। मतलब कि आपके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आप छुपाइए नहीं, निखारिए और उसको विश्व स्तर पर ले जाइए। जैसे मधुबनी का पेंटिंग है, विश्व में उसका नाम है। भूमंडलीकरण से क्या हुआ, जीविकोपार्जन के क्षेत्र में बदलाव आ गया, कि अब जीविकोपार्जन करने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, बदलाव आ चुका है। इसकी झलक दिखाई दे रही थी कहाँ पे, गाँव में, शहरों में, कस्बों में दिखाई दे रही थी। इसके कारण से जीविकोपार्जन में नए क्षेत्र खुल गए, कॉल सेंटर खुल गया, कॉल सेंटर में लाखों युवाओं को नौकरी मिल गया, शॉपिंग मॉल खुल गया, मॉल में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, बैंक खुल गए, बीमा क्षेत्र की वृद्धि हो गई, सब में सबको जॉब मिलने लगा। आप कमरौली के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप महाराष्ट्र में जाके बैंक में जॉब कर सकते हैं। आप अच्छा खासा अगर कोई नौकरी कर लेते हैं, गवर्नमेंट से सेलेक्ट हो जाते हैं, तो किसी भी सेक्टर में भेज देगा आपको जॉब करने के लिए। ये हो गया सुविधा है। ये सब किससे हुआ है, भूमंडलीकरण से हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरों को बढ़ा दिया, हमारी आवश्यकताएँ भी बढ़ गई है आज, और हमारे काम के जो कारनामे हैं वो भी बढ़ गए हैं आज। आज हमको जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, और आज हम दूसरों को बहुत कुछ हम अपनी कला को बहुत दूर तक फैला सकते हैं। क्वेश्चन है, 1919 से 1945 के बीच में विकसित होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के बारे में बताइए। थोड़ा देखिए ध्यान से, 1920 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ उसमें आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए, 1920 के बाद जो देश आया ना दुनिया,
उसमें अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए 1929 में आर्थिक मंदी के आधार पर वर्ष, इसको आर्थिक मंदी का वर्ष कहा गया 1929 को, जब भी याद की 1919 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुए उसमें आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान था, है ना। इसमें दो भाग में बांट रहे हम लोग, 1920 से 1929 का काल जो था ना सामान्यतः इस काल में क्या हुआ था, आर्थिक उत्थान विकास का काल था, इसमें आर्थिक उत्थान हो रहा था। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाद जो था ना विश्व पर यूरोप का प्रभाव छिन्न हो गया था। प्रथम विश्व जब हो गया तो यूरोप का प्रभाव घट गया था, यद्यपि उसके उपनिवेश में एशिया अफ्रीका उस पर उनकी पकड़ बनी रही, परंतु एशिया पर अफ्रीका पर अपना पकड़ बनाए रखा कौन, ब्रिटेन। इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सोवियत रूस, ये तीन देश विश्व के प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध के तुरंत बाद दो वर्षों तक आर्थिक संकट का काल था, हुआ युद्ध के तुरंत बाद, और 1922 के बाद तकनीकी उन्नति के कारण औद्योगिक विकास हुआ, परंतु इसके बाद नकारात्मक परिणाम देखने को मिला। देश में आर्थिक शक्ति तथा सत्ता कुछ हाथों में और कुछ कंपनियों के पास केंद्रित हो गई 1922 के बाद। 1919 तो ठीक था, 1922 देखिए इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध हो गया ना 1914 से शुरू हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ये तो हो गया था खत्म। अब 1919 से ना शुरू हो गया, सब लोग अपना अपना रिफॉर्मिंग कर रहा था भाई, सब स्ट्रगल कर रहा था कि युद्ध हो गया भाई या भरपाई करना है, सब लोग कर ये रहा था। उसमें ब्रिटेन का शासन कम गया, दबदबा कम गया, अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। इसी बीच में क्या हुआ, हो गया आपका क्या, औद्योगिकरण, उद्योगिकरण हो गया। उसी बीच में तो क्या हो गया, उद्योगिकरण होने से क्या हुआ, जापान अपनी आर्थिक शक्ति को बनाए रखने लगा, अमेरिका बनाने लगा, और इसमें उत्पादन क्या हुआ, अतिशय मात्रा में बढ़ गई। अब क्या हुआ, जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप दिया, जिसका शिकार चीन हो गया। उसी समय भारत तथा अन्य औद्योगिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। तब हमारे देश में उसी समय में क्या हुआ, 1920 के बाद जो है हमारे देश में उसी समय हो रहा था कौन सी, हमारे देश में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन इसी समय में हो रहा था। देखिए विश्व में हो रहा था कथी कथी, हमारे देश में कथी हो रहा था, देख रहे हैं विश्व में यहाँ